शुभ्रा इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं गोपाल कुमार वर्मा, आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल शुभ्रा इंस्टीट्यूट चतरा से। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 11th क्लास का सेट 2। 11th क्लास का सेट 2 आपको यहाँ दिख रहा होगा, 11th क्लास और ये सेट 2। और ये जो सेट है केमिस्ट्री का है, जो झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण प्रसिद्ध परिषद रांची झारखंड के द्वारा दिया गया है। यह 11th क्लास के विद्यार्थियों के लिए जो प्रथम सर्वाधिक परीक्षा होना है 2022 जनवरी में, जिसका डेट भी इशू होना है, उन लोगों के लिए। इसके पहले मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल शुभ्रा इंस्टीट्यूट चतरा पर सेट 1 का सॉल्यूशन दे चुका हूँ और आज केमिस्ट्री का सेट 2 का सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ, और भी पूरा सॉल्यूशन के साथ। तो चलते हैं एक एक करके क्वेश्चन में। इसके पहले थोड़ा इंस्ट्रक्शन को समझ लेते हैं, और इंस्ट्रक्शन वही है जो फिजिक्स के सारे सेट्स में थे, केमिस्ट्री के सारे सेट्स में है। इंस्ट्रक्शन में है पहला कि सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं। कुल 35 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है, मतलब 35 प्रश्न को एक से गुना करेंगे तो 35 मार्क्स का है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है और गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। कंपटीशन वगैरह में होता है कि अगर आप एक क्वेश्चन को गलत कर देते हैं तो 1/4 मार्क्स जो है सो काट दिया जाता है, लेकिन अगर आपसे भूलवश गलती भी हो जाता है तो उसके लिए कोई भी अंक नहीं काटे जाएंगे। इसलिए आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ ये ध्यान रखना है कि हम कोई भी क्वेश्चन को गलत ना करें। पहला क्वेश्चन है, द मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2 इज, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16। सल्फर का एटॉमिक नंबर जो है सो कितना होता है? 16। तो इसका मॉलिक्यूलर मास जो है सो कितना हो जाएगा? 32। सल्फर का कितना हो जाएगा? 32। ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 दुना ऑक्सीजन 2 है तो 32, तो टोटल कितना हो गया? 64। तो इसका आंसर 64U हो गया। तो पहला का जो आंसर हुआ वो आंसर बी। एम्पिरिकल फार्मूला क्वेश्चन नंबर 2 में है, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन जिसका संरचना आप 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, इस तरह का एक अल्टरनेट करके डबल बॉन्ड होता है, इधर H जुड़ा होता है, तो आप गिन सकते हैं C इसमें 6 है और H भी 6 है, तो बेंजीन का जो फॉर्मूला हुआ वो C6H6 हुआ। उसके बाद है, द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस एट NTP, एक मोल, द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस, एक मोल गैस का वॉल्यूम NTP का फुल फॉर्म होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे एक मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है, हम लोगों को याद रखना है कि 22.4 लीटर होता है, 22.4 लीटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा कंपटीशन में भी पूछा करता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर हुआ वो बी, 22.4 लीटर। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं हम लोग, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन इज नोन एज, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज। तो मोलरिटी मोल फ्रिक्शन ये सब हम लोगों ने पढ़ा, तो जहां बात आती है लीटर की तो मोलरिटी होगा, और जहां बात आएगी ये केजी का तो वहां लीटी काम आएगा। मोलरिटी ये दो बात में फर्क समझना है। तो यहां पे द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। तो हम लोगों को क्या याद रखना है कि मोलरिटी में लीटर होता है, मोलरिटी में क्या होता है? लीटर। और कैसे याद रखेंगे? लीटर LI जो है सो लीटर, जिसमें LI साथ में पड़ रहा है उसमें लीटर नहीं होगा, ये याद रखिएगा तो आराम से ध्यान में रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5,
विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर। कौन है जो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं करता है? मोलरिटी, मोलालिटी, नॉर्मलिटी, नन ऑफ द एबव। तो मोलालिटी ऐसा है जिसमें टेम्परेचर के परिवर्तन के साथ, चेंज के साथ, उसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका जो आंसर हुआ वो बी हो गया। बी। क्वेश्चन नंबर 6, द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 mole ऑफ कार्बन इज बर्न इन एयर। जब 1 mole कार्बन जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। हम जानते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब हम बर्न करेंगे तो बर्न करने के बाद, दहन करवाने के बाद, जलाने के बाद जो है सो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। और कार्बन का जो है सो एटॉमिक नंबर 6 होता है और मॉलिकुलर ये एटॉमिक मास जो है सो 12, और ऑक्सीजन का जो है कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 गुना 2 तो 12 + 32 टोटल जो है सो 44 हो गया। तो 44 ग्राम आंसर होगा। सीधा सीधा इतना ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू। एवोगाड्रो नंबर हम लोगों को फिजिक्स में भी पढ़ना है, केमिस्ट्री में भी पढ़ना है, और इसको याद रखना है सब बच्चों को कि एक एवोगाड्रो नंबर को हम लोग एन से निरूपित करते हैं और जिसका मान है 6.022 × 10²³ × 10²³। यहाँ पे 23 का ऑप्शन सिर्फ एक में दिख रहा है, बी में, तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो होगा सो बी होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, और 8 को बताने के पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बात करूँगा। सारे बच्चे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़े हैं उनको ध्यान में आ जाएगा, और जो बच्चे नए होंगे, नहीं पढ़े होंगे, उनको मैं लगभग 1 मिनट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना चाहूँगा। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताने से सिर्फ क्वेश्चन नंबर 8 नहीं बल्कि बहुत सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मिलने वाला है आपको। तो सबसे पहले चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कि आखिर किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। तो फटाफट सबको याद आ जाएगा और आसान चीज़ है ये। अबो प्रिंसिपल पे हम लोग इसको अरेंज करते हैं, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, 6d, 7s, 7p। और आप ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए बना ले। और आप जो हैं सो 11th में पढ़े हैं, 10th क्लास में पढ़े हैं, अबो प्रिंसिपल कहता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी सेल में प्रवेश करेगा जिस सेल का एनर्जी लेवल सबसे मैक्सिमम होगा। तो उसके आधार पर सबसे पहले जो लिखा जाएगा वो होगा 1s, 2s, पहला लाइन 1s, दूसरा लाइन 2s, तीसरा लाइन 2p, 3s, चौथा लाइन है 4p, 3p, 4s, पांचवा लाइन है आपका 3d, 4p, 5s और डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से हम लोग लिखेंगे। तो हमारा जो प्रश्न था सोडियम के लिए, तो सोडियम का कितना होता है 11। हम जानते हैं इस ब्लॉक को 2 भाग में बांटा गया, पी ब्लॉक को 6, डी ब्लॉक को 10 और एफ ब्लॉक को 2 ग्रुप या ये 14 ग्रुप और 2 सीरीज। तो सोडियम के लिए तो 1s2, 2s, 1s में पहले भर दिए 2, 2s में 2, 2p, p में 6 आता है तो 6, और 3s में मेरे पास 11 है और यहाँ 6, 2, 8, 2, 10 हो चुका है तो सिर्फ 1। तो जो क्वेश्चन है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात है तो उसका जो आंसर है वो 1s2, 2s2, 2p, 6 और 3s1 होगा, जैसा कि यहाँ पे हमने इंडिकेट करके आपको बताने का प्रयास भी किया हूँ। ये तो 1s2, 2s2, 2p, 6, 3s1 क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हुआ प्रमाण के साथ कैसे बनता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसके साथ
ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। द ऑर्बिटल विथ क्वांटम नंबर एन इज इक्वल टू 3 एंड एल इज इक्वल टू 2 विल बी, तो एन इज इक्वल टू 2 और एल इज इक्वल टू 2, एन इज इक्वल टू 3 और एल इज इक्वल टू 2 होगा, तो ये जो है सो 3D ऑर्बिटल में चला जाएगा। 3D जो S ब्लॉक और P ब्लॉक के बीच में स्थित है उसमें, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा वो आंसर C होगा। फिर देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे क्वेश्चन मैं देख पा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, विच आटम इज इंडिकेटेड बाय द कॉन्फ़िगरेशन He2S1। तो आप जानते हैं हीलियम का 2 होता है, हीलियम का कितना होता है 2, 1s2, और 1s2 के बाद 1s2 के बाद एक 2s1 भी लगा दें तो 2, 1, 3, तो ये लिथियम का हो जाता है जो 3 नंबर में आता है। तो इसका जो आंसर हुआ B, हीलियम। इसको कैसे पकड़े, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है और साथ में 1 दिया हुआ है तो 2, 1, 3, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरेलियम, बोरेन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऐसे करके आपने याद किया होगा, तो 3 जिसका एटॉमिक नंबर है वो है लिथियम। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हुआ B, ऑप्शन नंबर B। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोएस्ट एनर्जी सबसेल, ये फिर से देख लीजिए क्या क्वेश्चन है, कैसे हम लोग पढ़ते हैं, 3D, 4S, 4P, 5S। तो हमने यहाँ पे 3 में एक 4P अभी कॉन्फ़िगरेशन जो बताया हम, तो उसमें सबसे पहला कौन सा आता है, तो 3P, उसके बाद 4S, 3D, 4P, 5S। तो आप देखेंगे कि इसका जो है सो इसमें मैक्सिमम है, जो कि यहाँ पे आपको दर्शाया भी गया है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको बताए थे कि ऑब्बो प्रिंसिपल ने उस अरेंजमेंट को किया और सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसी एनर्जी सेल में इन करता है जिसका सबसे ज़्यादा एनर्जी लेवल होता है। तो उस हिसाब से जो हम लोग देखे उसमें जो आंसर है वो 4S सबसे ज़्यादा एनर्जी, ये लोवेस्ट एनर्जी वाला सबसेल होगा और ये सब जो होंगे इससे अधिक होंगे, क्योंकि 4S जो है सो बी नंबर ऑप्शन में है, उसका आंसर जो है सो 11 का बी हुआ। हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन Mg, Mg में कितना प्रोटॉन है, तो हम लोगों ने एटॉमिक नंबर, मास नंबर निकालने का फॉर्मूला पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि एटॉमिक नंबर जो है सो मास नंबर में एटॉमिक नंबर को घटा देते हैं तो जो निकलता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो 24 में 12 चला जाएगा तो 12 बचेगा, तो इस प्रकार से जो इसका आंसर हुआ वो जो है सो कितना हो गया 12, कितना हो गया 12। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, ये सबसे बहुत इजी क्वेश्चन है और सारे विद्यार्थी जो हमारी क्लास में ऑफलाइन क्लास किए होंगे वे लोग जो हैं सो एटॉमिक नंबर, मास नंबर निकालने के लिए बजाबते आपने फार्मूला लिखा होगा और आपने उस पर क्वेश्चन बनाया होगा। जो विद्यार्थी नहीं पढ़े हैं, नहीं जानते हैं, तो आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है सो नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, जो जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। क्यों, क्योंकि एक परमाणु में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए आटम जो है सो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो हम लोग जो है सो मास नंबर में एटॉमिक नंबर को घटा दिए तो जो आया वो क्या आ गया, प्रोटॉन, और अगर प्रोटॉन के जगह पे इलेक्ट्रॉन भी पूछा जाता तो उसका भी आंसर कितना होता, 12। तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में ये राउंड करके कहीं से देता है तो आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज जो है सो इक्वल होता है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या जो है सो उसका मास नंबर के इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। द बोस रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन आटम इज, तो बोर्स रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिटल हाइड्रोजन आटम जो है सो 0.59 होता है, लेकिन यहाँ पे 0.59 किसी में नहीं दिया है लेकिन एक में 0.529 दिया है, तो 13 का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, बी नंबर होगा। 13 का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, बी नंबर में। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14, द वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी 3 MHz वुड बी, तो मैं इस क्वेश्चन को आपको
दिखाना चाहूँगा कि अगर हम लोग स्मार्ट पैनल को यूज करते हैं तो क्या स्मार्ट पढ़ाई भी करना चाहते हैं? तो बिल्कुल। तो जो क्वेश्चन को हम लोगों ने क्लिक किया उसका आंसर है 300 नैनोमीटर। कितना आंसर है? 300 नैनोमीटर। द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी 3 MHz वुड बी 300 नैनोमीटर। तो इसका जो आंसर होगा वो 300 नैनोमीटर होगा। 100 नैनोमीटर हमने यहाँ लगा रखा था, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये जो इसका आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा वो जो है सो 300 नैनोमीटर होगा। हमने 100 पे लगा दिया था, लेकिन जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा कि अगर 3 MHz होगा किसी का वेवलेंथ तो उसका जो रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी 3 MHz होगा तो उसका वेवलेंथ जो होगा सो 300 मीटर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, अगला क्वेश्चन में चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस विल हैव लार्जेस्ट साइज, किसका साइज लार्जेस्ट है? तो आप देख लीजिए, मैग्नीशियम, किसका? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम में हम लोग जानते हैं कि Mg का एटॉमिक नंबर 12 होता है और ये किसी को 2 दे चुका है तो इसका 10 हो गया। एल्युमिनियम का 13 होता है, ये किसी को 3 दे चुका तो इसका भी 10। ऑक्सीजन का 16 होता है और ये 2 किसी से लिया है तो 16+2। फ्लोरीन का ये 9 नंबर होता है तो 9 और ये 1 लिया है तो टोटल कितना हो गया? सबसे मैक्सिमम किसका? 18। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? बी नंबर। रीजन के साथ जब क्वेश्चन का आंसर हम लोग करेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन चेंज भी करेगा तो उसका आंसर हम लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इज कॉमनली नोन एज हाइलोजन्स? हाइलोजन किसको कहते हैं? तो आपने पढ़ा होगा ग्रुप 13 को बोरॉन फैमिली, ग्रुप 14 को कार्बन फैमिली, ग्रुप 15 को नाइट्रोजन फैमिली, ग्रुप 16 को ऑक्सीजन फैमिली, ग्रुप 17 को हाइलोजन और ग्रुप 18 को नोबेल गैस और इनर्ट गैस कहते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि यदि यहाँ हाइलोजन के बारे में पूछा है तो आपको इनर्ट गैस के बारे में भी अगले सेट में पूछ सकता है, या नया क्वेश्चन अगर बनाना होगा तो बना सकता है। तो आपको याद रखना है, मैं आपको याद रखने के लिए बता दूं, ग्रुप 13 को हम लोग बोरॉन फैमिली बोलते हैं, ग्रुप 16 BCNO ऑक्सीजन फैमिली बोलेंगे, ग्रुप 17 को तो हाइलोजन यहाँ पे दिया है और ग्रुप 15 को नाइट्रोजन फैमिली। तो आपको याद रखना है 13, 15, 16, 17 हो गया, और मैं आपको 14 ग्रुप के बारे में लिख देता हूँ। 14 जो है सो कार्बन फैमिली, ग्रुप 14 जो है सो कार्बन फैमिली, एंड ग्रुप 18 जो है सो नोबेल गैस। याद हो गया ना? 13 को बोरॉन फैमिली, 14 को कार्बन फैमिली, ये 15 को नाइट्रोजन फैमिली, 16 को ऑक्सीजन फैमिली, 17 को हाइलोजन और 18 को नोबेल गैस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, सिर्फ अगर आप इस क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं तो सिर्फ इसी का आंसर कर पाएंगे, लेकिन अगर एग्जाम में पूछ देगा कि विच ग्रुप इज कॉल्ड नोबेल गैस तो आपको याद रखना है ग्रुप 18। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फिग्रेशन हैज हाइएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी? हाइएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होगा? अब उसके लिए आपको मैं याद करा दूं, आपने पढ़ा होगा कि एटॉमिक नंबर आवर्त सारणी में ध्यान देंगे, इस लाइन को अगर आप याद रखेंगे तो बहुत सारा चीज आपका याद हो जाएगा। आवर्त सारणी में एटॉमिक नंबर ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है और दायां से बायां जाने पर बढ़ता है। दो चीज़ याद रखिएगा, एटॉमिक नंबर क्या? एटॉमिक नंबर ऊपर से नीचे और दायां से बायां, अप टू डाउन और राइट टू लेफ्ट में एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक रेडियस जो है इंक्रीज करता है। क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो बाकी सब जो है तो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो NH2NP6
बाकी सब कहने का मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये सारे चीज जो है सो क्या करेंगे इसके ऑपोजिट में डिक्रीज करेंगे। तो NH2, NP2, NP3, NP1, NP6, तो NP6 मतलब ये साइड में हो जाएगा और इस साइड में हम बताए कि ये जो है सो क्या होगा हाईएस्ट, इसमें इधर से इधर बायां से दायां जाने पर हाईएस्ट होता है, लेकिन एटॉमिक रेडियस के अलावा बाकी सभी जो है सो लेफ्ट से राइट आने पर इंक्रीज करेगा। तो NP6 जो है सो पी ब्लॉक का लास्ट में पड़ेगा, इसलिए जो है सो इसका आंसर जो है सो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ, ये बड़ी बात है कि आप इस क्वेश्चन के साथ एक क्वेश्चन का प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर रहे हैं। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे और दायां से बायां जाने पर एटॉमिक रेडियस का मान जो है सो बढ़ता है, इसके अलावा आयोनाइजेशन एंथैल्पी जिसको एनर्जी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं, इसका ऑपोजिट होता है। इसका ऑपोजिट करने का मतलब डाउन से अप जाएंगे और लेफ्ट से राइट जाएंगे तब इंक्रीज करेगा। तो NH2 NP6 पी ब्लॉक का लास्ट में है तो ऑब्वियसली जो है सो ये जो है सो इंक्रीज करेगा, इसलिए इसका आंसर NH2 NP6 होगा। अगला क्वेश्चन है, एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 35 इज प्लेस्ड इन विच पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। बाबू अभी अभी हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका कंप्लीट होगा, तो इस तरह का समस्या का समाधान आपके पास है। 35 का मैं पहले ये बता दूं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो मैं यहीं पे ये आपको बताता हूं। 35 के लिए 1s में 2 भर देंगे, s में 2 क्योंकि s ब्लॉक में 2 ग्रुप हैं, p में 6, s में 2, p में 6, s में 2, d में 10, p में 6, और पूछा है 35 के लिए, तो 6 4 10 10 20 30 और 6 36 हो जाता है, तो यहां पे कितना लिख देंगे 5। तो ये किसका है, 35 का। अब आप देख लो 4p5 आया है, क्या आया 4p, तो पूछ रहा है कि कौन सा ग्रुप होगा, तो इसका ग्रुप होगा सो 4 होगा। ये समझने की बात है कि 35 का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए तो इससे ये भी पता चलता है कि ये कौन इसका कौन सा ग्रुप होगा, कौन सा जिस चौथा ग्रुप है तो पी ब्लॉक का है और वो पांचवा स्थान में है और उस वहाँ पे जो है सो ब्रोमीन है। क्या है, ब्रोमीन है। तो मैं आपको पूरा डिटेल्स बताया कि आखिर कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम उसका ग्रुप पता कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे ही 35 का हमने लिखा तो 35 का लिखने के बाद क्या पता चला कि इसका ग्रुप है सो 4 है, पी ब्लॉक का है, पांचवा स्थान में है, तो इसका जो आंसर हो गया वो 4 हो गया। ये देखिए इसका आंसर जो है सो हमने आपको 4 बताया। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाइएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब यहाँ पे भी बड़ा मज़ेदार है, इस क्वेश्चन को हमने आपको यहाँ स्केच करके बताया था कि किसका जो है सो हाँ इसी का आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होगा, उसी तरह का क्वेश्चन यहाँ पे है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए मैं फिर आपको समझा दूँ कि एटॉमिक रेडियस का मान ऊपर से नीचे आने पर, मैं इसको स्केच करके इतना अच्छे से समझाना चाहूँगा कि आप कभी भूले नहीं। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे आप देखिए एटॉमिक रेडियस का मान ऊपर से नीचे और दायां से बायां जाने पर बढ़ता है। अब आप FClNO के बारे में बात कर लें तो फ्लोरीन के बाद ग्रुप 17 में यहाँ पे मैं लिख दूँ, हाँ ग्रुप, ये ग्रुप है ग्रुप 13 14 15 16 17 18, और मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आप समझ पाएं। तो फ्लोरीन कहाँ पे है, ग्रुप 17 में, फ्लोरीन ग्रुप 17 में है। क्लोरीन, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन इसी के नीचे आ जाता है। ऑक्सीजन 16 में है, ऑक्सीजन 16 में है, और नाइट्रोजन 15 में है, नाइट्रोजन 15 में है। अब आपको बताना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान, हम यहाँ पे आंसर एफ लिखा हुआ है, एफ बोलकर मैं निकल सकता हूँ, लेकिन एक एक बच्चा ध्यान रहे कि ऐसा करने से काम नहीं चलेगा, एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन से काम नहीं चलेगा, आप ध्यान दो कि आखिर बताना हम क्या चाह रहे हैं।
तो अभी अभी आपने पढ़ा कि ऊपर से नीचे और दाहिना से बायां जाने पर एटॉमिक रेडियस का मान जो है सो इंक्रीज करता है, क्या करता है, बढ़ता है, और बाकी सारा चीज डिक्रीज करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज करता है। तो पूछ रहा है इस क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो दायां से बायां आने में इंक्रीज करेगा, तो दायां से बायां जा रहे हैं तो ये इंक्रीज करेगा, तो सबसे पहले कौन सा इंक्रीज हो रहा है, एफ, और नीचे से ऊपर जाने पर भी बढ़ता है, तो ये ऊपर भी जा रहा है तो बढ़ रहा है, तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है, तो फ्लोरीन को इंडिकेट कर रहा है, और यही फ्लोरीन हमारा जो है सो आंसर हुआ। हम उम्मीद है खूब अच्छे से आप समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, हाउ मेनी ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप हैं, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में याद रहना चाहिए आपको कि 18 ग्रुप हैं और 7 पीरियड हैं। एग्जाम में पूछ सकता है हाउ मेनी पीरियड्स आर प्रेजेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो वहां पे आंसर 7 होगा, और यहां पे ग्रुप के बारे में पूछ रहा है बाबू, तो इसका आंसर जो है सो 18 होगा। अगला क्वेश्चन में चलता हूं, अगला क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सेम कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नोन एज, तो इसका आंसर एवोगैड्रो ला कहकर मैं नहीं निकल रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि आप पढ़े हैं 11th क्लास और सच में आपको अच्छे से और ईमानदारी से पढ़ाया गया, या आप पढ़े होंगे तो आप खूब आसानी से समझ सकते हैं बाबू, बॉयल्स ला में हम लोगों ने पढ़ा, बॉयल्स ला में हम लोगों ने पढ़ा भी प्रपोर्शनल 1/P वेयर एन एंड टी आर कॉन्स्टेंट। उसके बाद चार्ल्स ला में हम लोगों ने पढ़ा भी प्रपोर्शनल एब्सोल्यूट टेम्परेचर वेयर एन एंड टी आर कॉन्स्टेंट। एवोगैड्रो में हम लोगों ने पढ़ा एवोगैड्रो ला में हम लोगों ने पढ़ा भी प्रोपोर्शनल एन वेयर पी एंड टी कांस्टेंट। बॉयल्स ला, चार्ल्स ला, एवोगैड्रो ला, ये तीन ला हम लोगों ने पढ़ा, गे लुशाक ला भी है लेकिन यहाँ गे लुशाक का चर्चा नहीं है, इक्वल वॉल्यूम पे वो होता है, तो बॉयल्स ला अभी देख लीजिए कि ये यहाँ पे है इक्वल वॉल्यूम, क्या है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर प्रेशर एंड टेम्परेचर कॉन्स्टेंट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस में हो रहा है, एन को हम लोग इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोलते हैं इक्वल वॉल्यूम में, तो ये एवोगैड्रो का है, और ये तीनों आपको याद रखना है, बॉयल्स में भी प्रोपोर्शनल 1/P, चार्ल्स में भी प्रोपोर्शनल टी, और एवोगैड्रो में भी प्रोपोर्शनल एन। इससे रिलेटेड फिर आगे क्वेश्चन है, मैं जान रहा हूँ आप इसको ध्यान में रखेंगे तुरंत आपको समझ में आने वाला है आगे भी, तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है सी एवोगैड्रो ला। मैं पूरी तरह से फोकस करना चाहता हूं कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो और खूब आसानी से पढ़ सके। पी भी बराबर एनआरटी, तो अभी अभी आपने पढ़ा ये बॉयल्स ला, चार्ल्स ला, एवोगैड्रो ला, अब ये तीनों को हम मिला दें तो भी प्रोपोर्शनल, ये तीनों को अगर हम मिला दें, ये तीनों को हम मिला दे तो अभी मैं आपके पास प्रूव कर दूंगा कि ये कौन सा आइडियल गैस का इक्वेशन होगा। तो तीनों में भी है प्रोपोर्शनल एनटी एनटी बाय पी, और भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो आर लगाते हैं, तो एन आर टी बाय पी, तो पी भी बराबर क्या हो गया एन आर टी, और ये जो इक्वेशन बना हमने आपको प्रूव करके ये दिखाया कि पी भी बराबर एन आर टी कैसे आता है। बॉयल्स ला में हम लोगों ने पढ़ा भी प्रोपोर्शनल 1/P, चार्ल्स में पढ़ा भी प्रोपोर्शनल टी, एवोगैड्रो में पढ़ा भी प्रोपोर्शनल एन, तो तीनों को जब हम लोग कंबाइन कर दिए, जो कंबाइन इक्वेशन होता है आइडियल गैस इक्वेशन का, वो आइडियल गैस इक्वेशन का इक्वेशन हो गया पी भी बराबर एन आर टी, ये तीनों के इक्वेशन से। तो इस पे दो क्वेश्चन हुआ, अभी अभी हमने एवोगैड्रो पर क्वेश्चन था उसको बताया, अभी आइडियल गैस पे इक्वेशन का क्वेश्चन था, इक्वेशन को मैंने प्रूव के साथ बताया, और अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे आप तो वहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन का थ्योरम को प्रूव भी किया गया है, कर देंगे नहीं किया हुआ है, तो आप अवश्य देख लें, और यहाँ पे मैं बता भी दिया हूँ।
आगे चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 23 में द नंबर ऑफ वॉल्यूम द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ गैस कॉन्स्टेंट आर डिपेंड्स अपॉन, यहाँ पे आर जो है सो किस पे डिपेंड करता है। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा पी वी बराबर एन आर टी, तो भैया आप ही खुद बताओ आर बराबर क्या होगा। तो आर बराबर हो जाएगा पी वी बाई एन टी, मतलब आर का मान जो है सो पी पे डिपेंड कर रहा है, प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है, इस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रहा है, इस पे भी डिपेंड कर रहा है। द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ गैस कॉन्स्टेंट आर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस, नेचर ऑफ द गैस, ये यहाँ पे आर जो है सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे और वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है, ये नेचर ऑफ गैस पे नहीं। द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, अगर संख्या उसका जितना रहेगा, अगर कम संख्या रहेगा तो आर का वैल्यू कम होगा, ज़्यादा संख्या रहेगा तो उसका वैल्यू एन का मान, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितना कम रहेगा आर का वैल्यू उतना ज़्यादा होगा, एन का मान जितना ज़्यादा होगा आर का मान उतना कम होगा, और एन का मान जितना कम होगा आर का मान जो है सो उतना अधिक होगा। तो इसका जो आंसर होगा यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट होगा, क्या होगा, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो ये इसका जो है सो क्या बोलेंगे, आंसर जो है सो नेचर ऑफ गैस नहीं होगा, क्योंकि इस पर डिपेंड नहीं करेगा आर जो है सो किस पर डिपेंड करेगा, यूनिट ऑफ मेजरमेंट पे डिपेंड करेगा। क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं। अ गैस विच ओबेज गैस लॉज एट ऑल रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड आइडियल गैस, जो सभी गैस को पालन करता है। अभी अभी मैंने बताया बॉयल्स ला, चार्ल्स ला, एवोगैड्रो ला, उस पर अभी आपने तीन क्वेश्चन देखा, अभी फिर ये चौथा क्वेश्चन है, उस पर ये आइडियल गैस कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर होगा सो बी होगा। फिर आगे देखिए, फॉर एन मोल्स ऑफ रियल गैस द वांडरवाल इक्वेशन इज, मैं आपको बताता हूँ कि आइडियल गैस का इक्वेशन पी वी बराबर एन आर टी होता है। पी वी बराबर क्या होता है, एन आर टी होता है, और जब वांडरवाल लग जाता है, क्या लग जाता है, वांडरवाल, तो इसका इक्वेशन पी प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी बाई एन आर टी होता है। तो मैं आपको इसको सर्च करके दिखाता हूँ कि वास्तव में इतना होता है कि नहीं, तो आपको दिखेगा कि वास्तव में द वांडरवाल इक्वेशन ऑफ एन मोल्स ऑफ रियल गैस इज, आप बिल्कुल अच्छे से देखें और समझने का कोशिश करें, द वांडरवाल इक्वेशन ऑफ एन मॉलिक्यूल्स ऑफ रियल गैस इज पी प्लस ए वी स्क्वायर, ए वी स्क्वायर माइनस वी वी बराबर एन आर टी, वेयर पी इज द प्रेशर, वी इज द वॉल्यूम, टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड आर इज द मोलर गैस कॉन्स्टेंट होता है। तो इस क्वेश्चन का जिसका हम लोगों ने अभी सॉल्यूशन देखा, इसका जो आंसर है वो 25 का जो है सो बी नंबर का होगा, सॉरी डी नंबर का होगा, पी प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर माइनस वी एन वी बाई एन आर टी। अगला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 500 डीएमक्यू ऑफ एयर एट 1 bar प्रेशर टू 200 डीएमक्यू एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। हिंदी में भी पढ़ के समझाता हूँ, आप क्वेश्चन को हिंदी में पढ़े, इंग्लिश में पढ़े, आपके पास सॉल्यूशन फैक्ट होना चाहिए और उसका आंसर क्लियर होना चाहिए। 30 डिग्री ताप एवं 1 bar दाब पर, टेम्परेचर यहाँ 30 डिग्री है, 1 bar दाब का मात्रक है, तो 1 bar जो है सो पी हो गया। वायु के 500 डीएमक्यू आयतन को 200 डीएमक्यू तक संपीड़ित करने के लिए, 500 इतना मान लीजिए कि 500 डेकामीटर क्यू है, अब उसको 200 मीटर पे लाना है, इतना कम करना है, तो कितना न्यूनतम प्रेशर चाहिए। वॉल्यूम दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है और बार दिया हुआ है, तो इसका सॉल्यूशन जो है, इसका आंसर बहुत यूट्यूबर जो है सो सीधे बोल देते हैं 2.5 bar होगा, लेकिन हाउ मैं उसको बताना चाहूँगा कि आखिर कैसे इतना होगा कैलकुलेशन के साथ। तो ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ अ गैस V1 500 डीएमक्यू, प्रेशर ऑफ अ गैस 1 bar,
वॉल्यूम ऑफ अ कंप्रेस्ड गैस V2 200 DMQ, मतलब कंप्रेशन के बाद कितना करना है 200। वी नो लेट P2 बी द प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस द गैस, देयरफॉर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर P1 V1 P2 V2 बॉयल्सला में हम लोगों ने पढ़ा है। जो विद्यार्थी रेगुलर होंगे, जो विद्यार्थी हमारे क्लास को रेगुलरली किए होंगे, उनके लिए तो अच्छी बात है कि आपने पढ़ा, लेकिन जो विद्यार्थी इस चीज़ को नहीं देखे हैं, नहीं जानते हैं, तो उनको एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगा कि बॉयल्सला आखिर क्या होता है। तो बॉयल्सला जो है पी प्रोपोर्शनल 1/V या भी प्रोपोर्शनल 1/P, दोनों एक है बाबू, कभी घबराना नहीं। तो इसका जब ये कांस्टेंट को हटाएंगे तो पी बराबर के बाई पी, तो पी भी बराबर क्या हो गया के। उसी प्रकार पी वन बराबर के, पी टू बराबर भी क्या हो जाएगा के। तो ये दोनों को जब आपस में बराबर करेंगे, दोनों कांस्टेंट को बराबर करेंगे तो V1 P1 इज इक्वल टू V2 P2, तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ये दोनों आ गया। वी हैव टू फाइंड P2, तो P2 हम लोगों को निकालना है, तो P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा P1 V1 / V2, और P1 कितना है 1, V1 कितना है 500, V2 कितना है 200, 500 को 200 से काट दी तो ये 0 से 0 कट गया, 5/2 यानी 2.5 bar। तो therefore द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड इज 2.5 bar, कितना 2.5 bar। तो इसका जो आंसर हुआ वो कितना हो गया 2.5 bar। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 2.5 bar, कैसे वो भी मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। ये देखिए फिर से वो क्वेश्चन, मैं फिर से आपको बताऊंगा, ये पांचवा क्वेश्चन है इस पे, इसलिए बाबू आपको याद रखना है, समझने के लिए सिर्फ या आंसर करने के लिए नहीं पढ़ते हैं। बॉयल्सला में हम लोगों ने पढ़ा ये भी प्रोपोर्शनल 1/P, एवोगैड्रो में पढ़ा भी प्रोपोर्शनल n, तो चार्ल्स में पढ़ा भी प्रोपोर्शनल t, तो भी प्रोपोर्शनल t, इसलिए भी बराबर के इंटू टी, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, तो भी बटा टी बराबर क्या हो जाएगा के, और ये जो है सो किसके लिए है तो चार्ल्स का। विच एलिमेंट विल शो डायगोनल रिलेशनशिप विथ बी, तो किसके साथ बी जो है सो किसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप रखता है। तो आपको याद रखना है कि बेरिलियम जो है सो एल्यूमिनियम के साथ जो है सो डायगोनल रिलेशनशिप रखता है। तो इसका जो ऑप्शन ए में है Mg, ऑप्शन बी है Na, ऑप्शन सी है Al, ऑप्शन डी है Ca, तो जो इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी में है, क्वेश्चन नंबर 28 का Al। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमोफिटिक हाइड्रोक्साइड, इसमें कौन सा जो है सो एमोफिटिक हाइड्रोक्साइड है। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि आखिर एमोफिटिक हाइड्रोक्साइड होता क्या है। ये तो स्पष्ट है कि बहुत सारा एमोफिटिक हाइड्रोक्साइड होता है, जिसमें यहां ऑप्शन जो है सो BeOH का हॉल टू इज एमोफिटिक इन नेचर सिंस इट कैन रिएक्ट बोथ द एसिडिक एंड बेस। तो एमोफिटिक हाइड्रोक्साइड है क्या, तो जो बोथ विथ एसिड एंड बेस, इट कैन रिएक्ट बोथ विथ जो एसिड और बेस दोनों के साथ अभिक्रिया करता है, तो उसी कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं एम्फोटिक हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे जो एम्फोटिक हाइड्रोक्साइड है वो स्पष्ट दिख रहा है, जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करता है वो है आपका BeOH का हॉल टू। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो है आपका आंसर हुआ BeOH का हॉल टू, BeOH का हॉल टू। द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ विच हाइड्रोक्साइड इज मैक्सिमम, यहाँ पे भी अच्छा क्वेश्चन है, किस हाइड्रोक्साइड का बेसिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगा। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको याद रखना है जो बात मैं बताने जा रहा हूं। बेसिक स्ट्रेंथ जो है सो इधर से इधर और ऊपर से नीचे, सबसे पहले यहां सब में ये हाइड्रोक्साइड दे दिया है, तो ये OH 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 सब में है।
अब एन ए एल आई सी ए और के है क्या कहाँ पीरियोडिक टेबल में? तो एन ए सोडियम, सोडियम जो है सो ये सोडियम 11 में है। 11 कहने का मतलब है कि एस ब्लॉक का 1 और 2, ग्रुप 1 ग्रुप 2। तो सोडियम आपका एस ब्लॉक का पहला में है। लिथियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लिथियम जो है सो एस ब्लॉक का जस्ट ऊपर है। यहाँ पे सोडियम हो गया, लिथियम हो गया। कैल्शियम, कैल्शियम 20 सी ए, ये इसका यहाँ पे है कैल्शियम एस ब्लॉक का दूसरा में। और पोटेशियम के, ये यहाँ पे। तो कह रहा है कि बेसिक स्ट्रेंथ जो है सो किस हाइड्रोक्साइड का मैक्सिमम होगा। तो आपको याद रखना है कि ऊपर से नीचे और राइट से लेफ्ट जाने पर बेसिक ऑक्साइड मैक्सिमम होता है। जिस प्रकार एटॉमिक रेडियस के बारे में हमने बताया, जस्ट उसी प्रकार जो है सो क्या क्या है ये, तो आपको ये याद रखना है। तो आप अब देख लीजिए ऊपर से नीचे कौन है, ऊपर से नीचे तो लिथियम सोडियम और पोटेशियम, और दाहिना से बायां तो ये दाहिना से बायां, तो इसका जो आंसर है के वाला है। तो ये जो ऑप्शन हो गया इसका KOH। मैं आपको फिर से बता दूं, ये आपको लिखने में अगर ये दिक्कत होता है तो एस ब्लॉक कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, एल्केली मेटल और एल्केलिन अर्थ मेटल। एल्केली मेटल को हम लोग साधारण तौर पे याद करने के लिए पढ़ते हैं हली नाकर रब से फरियाद, हली नाकर, हली ना कर, हली नाकर रब से फरियाद, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। अब इसी का मामला था, हम 4 एलिमेंट दिया था तो हमने 4 एलिमेंट के बारे में लिख दिया। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि लिथियम है और सोडियम है, यहाँ पे कैल्शियम है और पोटासियम है। मैं बताया कि ऊपर से नीचे और दाहिना से बायां जाने पर बेसिक स्ट्रेंथ जो है सो इसका क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो इस कंडीशन में के आया और के का जो हाइड्रोक्साइड है वो यहाँ KOH है। तो KOH का जो है सो बेसिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगा। इस क्वेश्चन को जब मैं स्टार्ट किया बताने के लिए, आप जरूर बैक करके 2 बार देख ले ताकि आप में बहुत कॉन्फिडेंस आ जाए। 2 बार मैं इसको आपको बताया। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। ऑटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? तो आपको मैं सब बताने वाला हूं। एस ब्लॉक में आप याद रखेंगे NS1 और NS2 दो ग्रुप में बांटा गया है, और फाइनली इसका हम लोग लिखते हैं, अगर दोनों को कंबाइन लिखना होगा तो 1 और 2। अगर एल्केली मेटल का पूछ दे, एल्केली मेटल का पूछ दे तो NS1, और एल्केलाइन अर्थ मेटल का पूछ दे तो NS2, और एस ब्लॉक पूरा का पूछ दे तो NS1 से लेकर 2 तक। ये याद रखना है, बढ़िया कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आज मैं आपको बहुत कंसेप्ट दे रहा हूँ, हर क्वेश्चन में जो कंसेप्ट चाहिए आपको मैं उसको दे रहा हूँ। यदि आप अच्छे विद्यार्थी हैं, आप इस वीडियो को 1 बार 2 बार जितना बार देखना है, लेकिन ट्रिक को याद रखना, ट्रिक को ध्यान रखना और इस इंपॉर्टेंस को ध्यान रखना कि हम जो बना रहे हैं सिर्फ उसका आंसर ना करें बल्कि उस कंसेप्ट को समझें। मैं उसी कंसेप्ट के साथ आपके साथ आया हूं सेट नंबर 2 लेकर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड CH3, CH2, CH2, CHCl, CHO। पहले मैं आपको इसको ये अरेंज करके दिखा रहा हूं। CH3 ये H, CH3, CH2 हो गया, उसके बाद फिर CH2, फिर CH2 लिख दिया, उसके बाद CH, यहाँ H लिख दिया, यहाँ पे Cl और इधर CHO। तो काउंट कैसे करते हैं भैया? तो कार्बन कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, टोटल कार्बन 5। अब कार्बन 5 हो गया तो Cl कहाँ लगा हुआ है, तो दूसरे नंबर में। CHO कहाँ लगा हुआ है, तो पहले नंबर में। तो इसको हम लोग बोलेंगे 2 क्लोरो
मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, पेंटेन और ओ एच सी एच ओ रहता है तो इसका आयु पी एस सी में अल लगाते हैं, अगर ओ एच रहता तो ऑल लगाते, तो यहाँ पे अल लगा हुआ है। एल्डिहाइड का अल, एल्डिहाइड का फर्स्ट दो शब्द जो है अल है, उसी से एल्डिहाइड का लिया गया है ए एल, तो इसका जो आंसर है टू क्लोरो पेंटेनल। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल, व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल के बारे में बड़ा स्टडी है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे स्पष्ट दिया है, ये पॉजिटिव का होता है इलेक्ट्रोफाइल, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले सकता है इससे, और ये न्यूक्लियोफाइल है ये दे सकता है, तो इसमें ऐसा कौन है जो इलेक्ट्रोफाइल है, तो अभी अभी हम लोग इसको समझे और इसके बाद इसका जो हम लोग आंसर करेंगे, तो यहाँ पे BF3 जो है सो इलेक्ट्रोफाइल नेचर का होगा, तो 33 का जो आंसर होगा वो डी नंबर का होगा। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन आटम इन मीथेन मॉलिक्यूल, मीथेन मॉलिक्यूल में कौन सा कार्बन हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो कार्बन आटम इन मीथेन मॉलिक्यूल, तो मीथेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, बहुत लोग सिर्फ ऐसे कर देते हैं लेकिन रियल का इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, H एक ये इधर और दो इधर, ठीक है, तो P का तीन और S का एक मिला देते हैं तो sp3 बनता है, तो इसका जो आंसर होगा सो ए ऑप्शन होगा, और इस ये जो कार्बन आटम इन मीथेन है, मीथेन का जो फॉर्मूला होता है बाबू CH4 होता है, जैसा कि अभी हमने स्ट्रक्चर में बताया कि CH4 होता है, और ये जो है सो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होता है, विच एकदम अभी सेम है 35, जो अभी 34 बता रहे थे उसमें कह रहा है कि कौन सा एग्जैक्ट प्लस वन इफेक्ट, तो CH4 मीथेन के लिए होता है, जिसमें यहाँ CH3 है जो प्लस वन इफेक्ट देता है, तो 35 का जो आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए हुआ CH3। तो यदि आपको लगे कि मैंने आपको पूरा डिस्क्राइब करके एक एक क्वेश्चन को बताया, तो मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आपका ये जो लाभ आपने उठाया अभी 35 क्वेश्चन सेट 2 का, वो अपने विद्यार्थियों अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और उन लोगों को भी पता चलना चाहिए, बहुत यूट्यूबर होते हैं, पहला का ये दूसरा का ये, फिर इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप मेरे यूट्यूब में देख लीजिए, भैया आप तो अभी यूट्यूब बना रहे हो इसका सोल्यूशन अभी दे दो, तो मैंने वैसा ही किया कि हर क्वेश्चन का बेस आपको देना चाह और आपको दिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये वीडियो आपको बहुत लाभ पहुँचाएगा, और इससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन होगा तो उसके आधार पे आप बना पाएंगे, जैसे बॉयल्स ला चार्ल्स ला एवोगैड्रो ला पे बताया, जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए बताया। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने 11th क्लास का सारा सेट्स का सॉल्यूशन दे चुका, सिर्फ फिजिक्स का सेट 1 सेट 2 और केमिस्ट्री का सेट 2 बचा था, जिसको केमिस्ट्री का सेट 2 को आज मैंने दे दिया, और अभी इसके तुरंत बाद जो है सो नेक्स्ट डे ये फिजिक्स का सेट 1 चला जाएगा आपके पास, तो पूरा 11th का जो सेट होगा जो झारखंड एकेडमी काउंसिल निर्गत किया है उसका पूरा सॉल्यूशन आपके मोबाइल पे होगा। तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें।